गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम आपके फंक्शन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और हमने फंक्शन के क्वेश्चन अभी आपको बताए थे लिस्ट करके कि कौन कौन से हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, और अब वन बाय वन उन क्वेश्चन को हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों यहाँ पर कि हमें इफेक्ट दिया है इफेक्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। और हमें बच्चों यहाँ पर तीन चीजें निकालनी है, एफ वन निकालना है, एफ वन अपॉन टू निकालना है और एफ टू प्लस एच निकालना है। ये क्वेश्चन है, तो बहुत आसान होते हैं फंक्शन के क्वेश्चन करना। तो एफ वन अगर हम निकालें, एफ वन का मतलब है इसमें जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह हम वन लग देंगे बच्चों, से आपको हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस सिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा वन माइनस फोर प्लस सिक्स, तो सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन माइनस फोर थ्री। तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा थ्री। एफ वन अपॉन टू अगर हम निकालें तो एफ वन अपॉन टू होगा वन अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन अपॉन टू प्लस सिक्स। इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा वन अपॉन फोर माइनस, इसको कैंसिल कर दें तो माइनस टू प्लस सिक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन फोर प्लस फोर। और इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ फोर एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा वन प्लस फोर फोर या सिक्सटीन, और ये आंसर आएगा सेवनटीन अपॉन फोर। और अब हम इसी तरीके से सॉल्व करें एफ टू प्लस एच, तो यहाँ पर हम एफ टू प्लस एच जब कैलकुलेट करें तो यहाँ एच की जगह रख देंगे टू प्लस एच होल स्क्वायर माइनस फोर टू प्लस एच प्लस सिक्स। और इसको बच्चों हम सॉल्व करें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो फोर प्लस फोर एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एट माइनस फोर एच प्लस सिक्स। और अब हम इसको कैलकुलेट करें तो एच स्क्वायर फोर एच से फोर एच हमारा कैंसिल हो जाएगा, और सिक्स प्लस फोर टेन, और टेन माइनस एट तो प्लस टू आंसर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए बच्चों हमने सेकेंड क्वेश्चन ले लिया है, इसमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि हैव टू फाइंड फोर एफ फोर प्लस एच माइनस एफ फोर अपॉन एच। तो यहाँ पर बच्चों हम पहले ये दोनों फंक्शन को हम अलग अलग सेपरेटली हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे, और उसके बाद वो वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे। तो पहले हम बात करें एफ फोर प्लस एच इक्वल टू सिक्स फोर प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम फोर प्लस एच रख दें तो प्लस थ्री फोर प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये बच्चों को कैलकुलेट करते हैं तो ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर कर दें तो सिक्सटीन प्लस एच स्क्वायर प्लस एट एच, ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर्टी एट प्लस थ्री एच स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एच। और इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा थ्री एच स्क्वायर प्लस थर्टी एच, सिक्स एच प्लस ट्वेंटी फोर एच प्लस कर लेंगे तो थर्टी एच हो जाएगा, और ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी एट तो ट्वेल्व एंड सेवेंटी टू हो जाएगा बच्चों ये। और ये आ गया एफ फोर प्लस एच, और अभी हम एफ फोर और निकाल लें, एफ फोर इक्वल टू हो जाएगा सिक्स इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फोर स्क्वायर, तो ये बच्चों हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस थ्री इंटू सिक्सटीन, तो ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी एट, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये सेवेंटी टू हो जाएगा। तो अभी हमने ये दोनों फंक्शन अलग अलग यहाँ पर निकाल लिए हैं, और ये वैल्यू अब हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देयर फोर एफ फोर प्लस एच माइनस एफ फोर अपॉन एच इक्वल टू एफ फोर प्लस एच की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है थ्री एच स्क्वायर प्लस थर्टी एच प्लस सेवेंटी टू, ये वैल्यू आई है माइनस एफ फोर, तो माइनस एफ फोर की वैल्यू सेवेंटी टू आई है अपॉन एच।
तो 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम 3H कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा H प्लस 30 अपॉन H और यहाँ H से H कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3H प्लस 30। और इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेंगे। चलिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ले लिया है और फंक्शन यहाँ पर इस तरीके से डिफाइंड है आपके सामने है कि अगर f की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन हम लेंगे 3x-1। अगर फंक्शन की वैल्यू 2 और -2 और 3 के बीच में है तब हम फंक्शन लेंगे x2-2 और अगर f की वैल्यू -2 से लेस है छोटी है तो हम फंक्शन लेंगे 2x+3। और इस तरीके से फंक्शन डिफाइन होने हैं यहाँ पर और वैल्यूज हमें ये निकालने हैं f2, f4, f-1, f-3 एंड f0। चलिए हम f2 निकालें तो सबसे पहले बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि इन तीनों फंक्शन में से फंक्शन कौन सा लेना है। तो इन तीनों फंक्शन में से फंक्शन कौन सा लेना है इसके लिए हमें देखना पड़ेगा 2 के लिए फंक्शन कौन सा है। तो 2 कहाँ आएगा, -2 और 3 के बीच में 2 आएगा और उसके लिए फंक्शन है हमारे पास x2-2 और यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2² - 2 = 4 - 2 = 2 और ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। मान लीजिए हमें f4 निकालना है, f4 निकालना था। अब हम देखें कि f4 के लिए फंक्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए, ग्रेटर वैल्यूज के लिए हमें ये फंक्शन लेना है। तो f4 है तो 4 इज ग्रेटर देन 3, उस केस में हम इस फंक्शन में x की वैल्यू रखेंगे तो 3 × 4 - 1 = 11। अगर हम बात करें f-1, इसका मतलब -1 और -1 बच्चों कहाँ आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा, -2 - 1 = 0, 1, 2, 3। तो इसके लिए हमें फंक्शन लेना है ये, तो यहाँ पर हम x के लिए -1 रख दें तो ये फंक्शन हमारा आ जाएगा -1² - 2, -1 को होल स्क्वायर करेंगे 1, 1 - 2 = -1। अब हम बच्चों लेते हैं f-3, तो f-3 के लिए बच्चों फंक्शन कौन सा होगा ये देखना है हमें। तो -3 वैल्यू आएगी x < -2, -2 से छोटा x अगर हो तो यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन लेंगे 2x+3। देन ऑब्वियसली -3 -3 < -2, तो उस केस में हम यहाँ पर फंक्शन लेंगे ये और x की जगह -3 रख देंगे तो 2 × -3 + 3 -x + 3 = -3। और बच्चों अब हम निकालें f0, तो f0 अगर यहाँ पर हम निकालें तो हम देखेंगे पहले फंक्शन कौन सा लेना है, फंक्शन कौन सा लेंगे तो 0 आएगा इस इंटरवल में, -2 और 3 के बीच में 0 आता है तो उसके लिए हमें फंक्शन लेना है x² - 2, तो हो जाएगा 0² - 2, तो 0 - 2 = -2। इस तरीके से बच्चों ये फंक्शन बहुत आसान था और हमने लिया इसलिए इस फंक्शन को कि हम ये देख लें कि x की वैल्यू जो हमने ली है या क्वेश्चन में दी है उसके लिए हम कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करने वाले हैं, उस फंक्शन को आप पहले आइडेंटिफाई करें और उसके बाद वो वैल्यू रखें और बड़े आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 ले लिया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन है कि एफेक्ट क्या है लॉग एक्स बेस ई, मतलब जो फंक्शन है वो लॉग एक्स है और हमें प्रूफ करना है fuvw = fu + fv + fw। बहुत सिंपल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए जरा हम सबसे पहले fu की बात करें तो fu क्या निकलेगा बच्चों, एफेक्ट है लॉग एक्स तो fu हो जाएगा log u बेस ई। अगर हम fv की बात करें
तो लॉग वी बेस की और एफ डब्ल्यू की बात करें तो लॉग डब्ल्यू बेस की। ठीक है, तो अब हम देखें कि इसकी एलएचएस लेके चलें। एलएचएस में है एफ यू वी डब्ल्यू। एफ यू वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एफ की जगह यू वी डब्ल्यू रख दें तो ये आपका हो जाएगा लॉग यू वी डब्ल्यू। और लॉग यू वी डब्ल्यू का मतलब एक्स की जगह है तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह यू वी डब्ल्यू रख लिया। एक फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लॉग एम एन पी इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। बेस की लगा है, अच्छी बात है, नहीं भी लगाओगे तो बेस की माना जाता है और ये यहाँ पर फॉर्मूला आपका होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लॉग यू बेस ई प्लस लॉग वी और प्लस लॉग डब्ल्यू। तो फॉर्मूला हमने साइड में लिख दिया था उस फॉर्मूले से। तो अब हम यहाँ देखें तो लॉग यू की जगह हम क्या रखते हैं, एफ यू रखते हैं। ये आपका हो जाएगा एफ यू। लॉग वी की जगह क्या रखते हैं, एफ वी रखते हैं। और लॉग डब्ल्यू की जगह क्या रखते हैं, एफ डब्ल्यू रखते हैं। तो बच्चों हमें यही लाना था, देखो जरा एफ यू प्लस एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू जो कि आ चुका है इक्वल टू आर एच एस एंड थ्रू। इस तरीके से बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 फिर से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो दो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जनरली इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनके रिजल्ट भी आप ध्यान रखें, बाई चांस अगर ओटी क्वेश्चन में आता है तो आप इसके रिजल्ट लिख पाए। तो यहाँ पर हम फंक्शन दिया है लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और हमें प्रूव करना है एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर एफ ए प्लस एफ बी की बात करें, एल एच एस ले लेते हैं। तो चलो पहले हम आर एच एस लेके चलें। तो यहाँ हम आर एच एस लें तो ये हो जाएगा लॉग। यहाँ आर एच एस में हमें एफ ए पहले लिख देता हूँ, चलिए छोड़िए, सबसे पहले हम एफ ए और एफ बी देख लें क्या आएगा। हियर अगर एफ एक्स दिया है हमारे पास लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स तो एफ ए हो जाएगा लॉग 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए और एफ बी हो जाएगा हमारे पास लॉग 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी। ये वैल्यू एफ ए और एफ बी की आने वाली है, ये आगे यूज होंगी इसलिए हमने अभी निकाली। चलिए अब हम आर एच एस की बात करते हैं इसकी। तो आर एच एस में बच्चों हमें एफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी ये दिया है। इसका मतलब ये x की जगह ये वैल्यू है a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी और ये वैल्यू हमें x की जगह यहाँ पर रखनी है तो रख देते हैं। ये हो जाएगा log 1 माइनस और x की जगह पूरा रखना a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस और फिर से x की जगह ही रख देना है ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी इक्वल टू लॉग। और अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस ए बी एलसीएम आ जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस ए बी और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी। इसी तरीके से 1 माइनस ए बी हम डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ए बी प्लस ए प्लस बी। तो 1 माइनस ए बी से 1 माइनस ए बी
कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें बच्चों तो हम यहाँ पर इसे फैक्टर करें, अगर हम फैक्टर करें तो थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आएगा 1 माइनस ए माइनस बी माइनस ई बी अपॉन, यहां पर ये आएगा 1 प्लस ए यहां पर। चलिए बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन लिखते वक्त नोट करते वक्त, उस मिस्टेक को हमें पहले सही करना पड़ेगा अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ थोड़ा सा जब हम देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये कहीं मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ है बच्चों कि जो एफ ए प्लस ये जो हमने फंक्शन लिया था ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी है, तो जो हमने आपको पहले क्वेश्चन का जो दिखाया था वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग में वहाँ पर भी हमने गलत नोट डाउन कर लिया था, तो आप वहाँ पर भी इसको इसी तरीके से करेक्शन करके करिएगा। चलिए तो ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ था 1 प्लस ए बी अपॉन 1 प्लस ए बी लेना है, तो देखो जरा ये यहाँ पर अंतर आएगा और यहाँ पर फिर प्लस आएगा और इसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा। अब हम यहाँ पर 1 प्लस ए बी और इसको जब यहाँ पर ले गए एलसीएम लेके तो 1 प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी और ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी और प्लस ए प्लस बी। तो अब बच्चों हम यहाँ देखें तो 1 के साथ माइनस ए कर लें और माइनस बी प्लस ए बी इसको यूं कर लें और इस तरीके नीचे भी रीएडजस्ट कर लें 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। तो अब देखते हैं बच्चों कि क्या हमारे पास आता है, तो इसको हम यहाँ करें लॉग 1 माइनस ए एक साथ ले लें माइनस बी कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस ए। इसी तरीके से नीचे बच्चों 1 प्लस ए हम एक साथ ले लें प्लस बी कॉमन ले तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस ए इक्वल टू लॉग, यहाँ से 1 माइनस ए हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा तो यह आएगा 1 माइनस बी। उसी तरीके से नीचे जो 1 प्लस ए हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस बी। इस तरीके से बच्चों ये आया और इसमें हम एक फॉर्मूला और लगाने वाले हैं, इसको हम यूँ लिख लें लॉग 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इसको एक साथ लिख दें किंतु 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी इसको एक साथ लिख दें। और बच्चे एक फॉर्मूला होता है आपको पता होगा बिकॉज लॉग एम इंटू एन इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ये फार्मूला है आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। तो उस फार्मूले से अगर हम इसको m कहें और इसको n कहें तो दोनों फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए और प्लस और ये हो जाएगा log 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी। और आप देख सकते हैं इसीलिए हमने पहले एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकाल के रख ली थी, तो लॉग 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए की जगह हम एफ ए रख दें तो ये बच्चों हो जाएगा एफ ए और लॉग 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी की जगह एफ बी रख दें। तो अब हमें यही प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं एलएचएस में लाना था एफ ए प्लस एफ बी,
तो ये आपकी एल एच एस आ गई है और इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा संभल के करना है, लॉग के दो फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पर, ये बात यहाँ देखनी है। और साथ में क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने जो दो क्वेश्चन कराए हैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए बच्चों यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन में हमें एफ एक्स दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स और वी हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स क्यूब इक्वल टू एफ एक्स क्यूब प्लस 3f इंटू 1 अपॉन एक्स। तो देखो जरा बच्चों यहाँ पर हम एफ एक्स का होल क्यूब निकालें, अगर यहाँ हम एल एच एस लेके चले देन एफ एक्स का होल क्यूब का मतलब होगा x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब, और यहाँ पर बच्चों हम a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला अगर लगा दें तो आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस x के x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसको हम दे दें इक्वेशन 1। और अब हम अगर इसकी आर एच एस लेके चलें तो आर एच एस में बच्चों हमें लाना है एफ एक्स क्यूब प्लस 3f इंटू 1 अपॉन एक्स। तो एफ एक्स क्यूब, इसमें एफ एक्स में हम x की जगह x क्यूब रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 f 1 अपॉन x। तो जहाँ x है वहाँ पर हम 1 अपॉन x रख देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन x, ये बच्चों हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 1 अपॉन x प्लस, ये x ऊपर पहुँच जाएगा। और इस तरीके से हम देख रहे हैं हमें जो लाना था वो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो रही है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गए हैं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन फॉग और गॉफ वाले फंक्शन आए हैं एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स, कभी कभी फॉग भी आ जाता है एफ ओ एफ एक्स। तो हम ये क्वेश्चन 7 कराने से पहले फॉग और गॉफ का आपको आइडिया देना चाहेंगे कि इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पर दो फंक्शन का कंपोजिशन है एफ ओ जी लिखा होता है तो उसके साथ में जनरली x माना जाता है। अभी हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आपको इसका बेसिक आइडिया दे रहे हैं। तो इसका मतलब होता है f of g x, और अगर बच्चों लिखा है g of f x तो इसका मतलब है g of f x, और अगर लिखा है f of f x, अगर x नहीं भी लिखा होता है तो हम उसके साथ ले लेते हैं, तो इसका मतलब बच्चों होता है f of f x। तो इनका क्या मतलब है और इनको कैसे करते हैं ये हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर करके बता रहे हैं। जरा आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे समझेंगे, यहाँ पर फॉग और गॉफ का भी जनरली एक क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है और ये क्वेश्चन करना बहुत आसान होते हैं, तो इनको हम देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लें, यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स हमें ऑलरेडी दे रखा है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और जी एक्स 3x प्लस 1 है, हमें यहाँ एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स निकालना है और साथ में ये बताना है कि इनकी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। चलिए हम एफ ओ जी निकालें, तो अभी हमने बोला था एफ ओ जी का मतलब यहाँ पर लेंगे एफ ओ जी एक्स, अगर एक्स नहीं लिखा है तो अपने आप लगा लेंगे, इसका मतलब हमने क्या बताया था एफ ऑफ जी एक्स। बच्चों बहुत संभल के और बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल है लेकिन समझना पड़ेगा आपको। तो एफ ऑफ जी एक्स, अभी जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो पूरी की पूरी वैल्यू रख देते हैं यहाँ 3x प्लस 1।
हमने यहाँ पर एफ ऑफ जी एस लिख लिया, जी एस की वैल्यू लिख दी 3x+1, और अब ये बच्चों माना जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स यहाँ पर कितना दिया है x2-1, यहाँ x की जगह लिखा कितना है 3x+1 लिखा है, तो जब ये एफ एक्स था तो x2-1 हो गया, और जब एफ 3x+1 है तो ये हो जाएगा 3x+1 होल स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब x की जगह यहाँ पर हम 3x+1 लिख देंगे। तो बच्चों ये अब हम इसको सॉल्व कर लें, तो 9x2+6x+1-1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 9x2+6x। अब हम बच्चों कैलकुलेट करते हैं जी ओ एफ एक्स का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, और इसका मतलब है जी और एफ एक्स की वैल्यू पूरी की पूरी रख दीजिएगा तो ये कितना है x2-1, एफ एक्स की ये वैल्यू रख दी, और अब ये बन गया जी एक्स, और जी एक्स हमें क्या दिया है 3x+1, और ये x की जगह भी आ जाएगा x2+1, ये वहाँ रख देंगे हम, तो 3x2-1+1, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x2-3+1, तो 3x2-2। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एफ ओ जी और जी ओ एफ की वैल्यू इक्वल नहीं निकली है बच्चों, तो ये दोनों अलग अलग हैं और यही हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, और ये भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरीके के कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, और अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया है और यहाँ पर एफ एक्स दिया है 1-x/1+x, और हमें निकालना है एफ ऑफ एफ कॉस 2θ, तो पहले हम एफ कॉस 2θ की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उसके साथ एफ और करेंगे। तो चलिए अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एफ कॉस 2θ निकाल लें, एफ कॉस 2θ, अभी हम पूरा लेके नहीं चल रहे हैं, अंदर वाला लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ एक्स है 1-x/1+x, तो हम कॉस थीटा रख दें 1-cos2θ/1+cos2θ, और यहाँ पर बच्चों हम कॉस 2θ के वो फॉर्मूले लगा लेंगे जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो आपका हो जाएगा 1-1-2sin²θ/1+2cos²θ-1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 2sin²θ/2cos²θ, 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों, तो ये आ जाएगा tan²θ, तो f cos 2θ की वैल्यू आ गई tan²θ। चलिए अब हम निकालते हैं therefore f of f cos 2θ, तो यहाँ पर ये f बना रहेगा और f cos 2θ की वैल्यू हमने निकाल ली है tan²θ, और ये बच्चों हम वापस वहां रख दें, तो ये हो जाएगा 1-tan²θ/1tan²θ, ये बच्चों वैल्यू आ गई है, और ये वैल्यू किसकी होती है वो मैं बताता हूँ अभी। तो बच्चों किसकी वैल्यू होती है ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, और जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ रखी है, और वैसे मैंने करा दी है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन फिर भी आपने अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कॉस 2θ का फॉर्मूला होता है बच्चों, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस 2θ, और ये भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, तो जो आपको यहाँ पे थोड़े याद रखने पड़ेंगे, और कॉस 2θ बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस 2θ = 1-tan²θ/1tan²θ, तो इस तरीके से बच्चों ये आंसर आपका cos 2θ यहाँ पर आ जाएगा। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है और ये क्वेश्चन है fx = x-1/(x+1) then prove that f(o)x, मैं बात कर रहा था आपको f(o)x की, f(o)f(x)
इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स समय यहाँ पर लेना है। तो देखो जरा यहाँ पर हम क्या करें कि इसकी एलएचएस अगर हम लेके चलें तो एफ ओ एफ एक्स का मतलब होता है बच्चों एफ ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब है एफ ऑफ और एफ एक्स की वैल्यू में मालूम है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ हम लिख दें x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। और अब ये बच्चों एफ एक्स बन गया है, x की जगह पूरा आ गया और एफ एक्स हमारे पास है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। उसमें हम x की जगह ये वैल्यू रखने वाले हैं। तो देखना जरा बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह लिख दें तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन और x की जगह लिख दें x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन। ये हमने क्या किया, ये वैल्यू x की जगह यहाँ हमने एफ एक्स में लिख दी है। ये आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो बस इसको बाद इसके बाद इसको करना आसान है। x प्लस वन एलसीएम ले लें तो x माइनस वन माइनस एक्स, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन। और यहाँ पर भी हम x प्लस वन एलसीएम ले लें तो x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ ऊपर x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस टू, नीचे वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस एक्स हो जाएगा टू एक्स, टू से टू कैंसिल होके हमारे पास आंसर आएगा माइनस वन अपॉन एक्स। और हमें यही प्रूव करना था इक्वल टू आर एच एस एंड टू। तो इस तरीके से बच्चों हमने एफ ओ एफ एक्स का क्वेश्चन भी कर लिया है। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 10 लिया है और आप देख रहे हैं एमपी 2014 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ऑटोमेटिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स पूछा जाता रहा है और यहाँ इसने डायरेक्टली पूछ लिया है एफ ऑफ जी एक्स। तो हम यहाँ पर वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ जी एक्स का क्या मतलब होगा, तो हम f वैसे ही बना रहे हैं हमने और जी एक्स की वैल्यू यहाँ पर बच्चों है x प्लस वन अपॉन x माइनस थ्री। ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। तो अब ये आ गया f x, ये x की जगह। तो f x क्या है बच्चों, 2x माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन। तो यहाँ x की जगह ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वन अपॉन x माइनस थ्री माइनस थ्री अपॉन x की जगह फिर हम रख दें x प्लस वन अपॉन x माइनस थ्री प्लस वन। और अब हम बच्चों इसको सॉल्व करें तो x माइनस थ्री एलसीएम आएगा तो 2x प्लस टू माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन, जब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये x माइनस थ्री होगा तो x प्लस वन और x प्लस थ्री का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए सॉरी माइनस का, तो x माइनस थ्री का मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर बच्चों वैल्यू आएगी माइनस एक्स प्लस इलेवन अपॉन टू एक्स माइनस टू। ये आपका एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा। और अब हम बच्चों बात करें जी ऑफ एफ एक्स की, इसका मतलब है बच्चों जी ऑफ और एफ एक्स हम वैसा का वैसे ही रखते हैं यहाँ पे तो 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन। तो इसका मतलब होगा बच्चों जी ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ये हो गया जी एक्स, ये x की जगह पूरा का पूरा आएगा और जी एक्स हमारा क्या है x प्लस वन अपॉन x माइनस थ्री, x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको ध्यान से यहाँ पर पुटअप कर दें x की जगह तो 2x माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन प्लस वन, और नीचे भी x की जगह इसको रखते हैं हम तो 2x माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन माइनस थ्री बच्चों। और अब हम इसको सॉल्व कर लें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, x प्लस वन तो हो जाएगा 2x माइनस थ्री प्लस x प्लस वन और यहाँ पर x प्लस वन एलसीएम आ जाएगा तो 2x माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल और अब आंसर आ रहा है आपका तो 3x माइनस टू अपॉन, और यहाँ हम देखें तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक्स बचा और माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स हो गया। इस तरीके से बच्चों ये हमारा जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। तो अब आप ये बच्चों देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने हर तरीके का क्वेश्चन कर लिया है
और GOFX या FOGX का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इन क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। आगे आपके पास बुक में या एग्जाम्पल्स में जितने भी क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करेंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस करने का। और बाकी जो हमने इसके पहले क्वेश्चन कराए थे फंक्शंस के वो भी करेगा, खासतौर से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 उसने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। और FOGX और GOFX के क्वेश्चन की आप और प्रैक्टिस करें तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली करना आ जाएंगे। थैंक यू।